दोस्तों आज मैं आपके लिए बायोलॉजी सीरीज में उत्सर्जन से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज लेके आया हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए प्रसार डिफ्यूजन, है ना। ऑप्शन बी आसव, ऑप्शन सी यूरियोटेलिक और ऑप्शन डी दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वह विसरण द्वारा होता है। किस द्वारा? विसरण द्वारा। ठीक है, तो आपका यह ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थवर्म में किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए नम त्वचा, ऑप्शन बी नेफ्रिडिया, ऑप्शन डी सी, ए और बी दोनों और ऑप्शन डी सिर पे है बी। इसमें से कौन सा सही है? क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? ये देखते हैं आगे। देखिए अर्थवर्म में जो है नेफ्रिडिया और त्वचा दोनों के द्वारा होता है, मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा जिसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन बी सिर्फ बी, है ना। तो इसमें CO2 भी अपशिष्ट है और यूरिया भी है। ठीक है, तो दोनों अपशिष्ट मानव शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, आपका ऑप्शन सी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ठीक है, ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी दे रखा है यूरेटर। तो कौन सा अंग जिम्मेदार है वो अपने को बताना है। मैं CO2 को निकालने के लिए जो मानव शरीर में फेफड़े जिम्मेदार है ना, फेफड़ों के द्वारा CO2 को निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, कोशिकास्तवक, बोमन कैप्सूल, नेफ्रॉन, अगला दे रखा है रक्त कोशिका है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो जो गुर्दा होता है किडनी, ठीक है, किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए सांस के द्वारा, किस क्रिया द्वारा, है ना, पसीना, यूरिन, मतलब मूत्र। सबसे नाइट्रोजन उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है ना, स्तनधारी जो होते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है डायलिसिस, ऑप्शन बी दे रखा है गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन सी दे रखा है, देखिए ऑप्शन सी दे रखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है सिर्फ बी। ठीक है, तो जो गुर्दा प्रत्यारोपण है वह स्थायी समाधान। डायलिसिस में तो क्या होता है, कोई उत्सर्जित पदार्थ है बनते उनको बार बार निकालना पड़ता है एक नली के द्वारा, जो संभव नहीं होता है। और गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है एक स्थायी समाधान है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के किडनी खराब होने पर। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो जीवित जीव होते हैं उनके द्वारा सभी प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग को बनाते हैं। उत्सर्जी अंग प्रणाली को बनाते हैं दो किडनी, दो यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा। ठीक है,
तो ये सभी मिलकर, इसमें ऑप्शन डी जो है आपका सही है, सभी मिलकर जो है मनुष्य के उत्सर्जी प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र की प्रणाली को बनाते हैं। दो किडनी भी होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, मूत्राशय और यूरेथ्रा, चारों चीज़ें मिलकर उत्सर्जी तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पोत या वेसेल्स किडनी में रक्त लाती हैं? ऑप्शन ए रीनल धमनियाँ, ऑप्शन बी रीनल वेन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी सिर्फ ए। ठीक है, रीनल अर्टरी, रीनल वेन, ए और बोथ ए एंड बी सी और सी दे रखा है, ओनली ए। इसमें आपकी रीनल अर्टरी जो होती है ना, रीनल धमनियाँ, वो वही रक्त को ले जाने का काम करती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।